So hi and welcome to this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. और हम बात करने वाले हैं, अगर आप CUET के बेसिस पे यूपी में स्पेशली कॉलेजेस देख रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, that I'm going to discuss in this episode. So what you need to do, let's get started. So welcome back to this episode and I'm going to talk about colleges through CUET in UP. सबसे पहले I think जब हम UP की बात कर रहे होते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का नाम नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? BHU के अंदर दो colleges हैं, एक FMS और एक Faculty of Commerce. Faculty of Commerce भी accept करता है और FMS भी कुछ कोर्सेज के लिए एक्सेप्ट करता है. मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, तो आप थ्रू CUET टारगेट कर सकते हैं. गवर्नमेंट है, NIRF रैंकिंग में भी ये कॉलेज 56th पोजीशन पे आता है, राइट. देन उसके बाद IIMS BHU, राइट, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, IIMS BHU, मतलब अंदर जो कॉलेजेस हैं. देन उसके बाद अगर आप चाहो तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी टारगेट करते हो. मैंने NCR वाला जब वीडियो बनाया था तब भी मैंने इसको कवर किया था. गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है, राइट, सॉरी प्राइवेट कॉलेज है. एंड थ्रू CUET कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हो. 700-800 बच्चे हैं और बिहार क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करती है ये यूनिवर्सिटी. कैसी है, यू नो, अगर आप कम बजट में देख रहे हो तो आप देख सकते हो, बट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी लिस्ट में और दूसरे कौन से कॉलेजेस हैं और उसमें इसको कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए. अगर आप कंफ्यूज हो तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. देन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, राइट, 78th पोजीशन पे आता है और ये भी CUET एक्सेप्ट है. इन शॉर्ट ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जब से CUET आया है वो सभी CUET के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं. देन IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा, ये प्राइवेट है, इसको बहुत ज़्यादा मैंने आई डोंट हैव मच नॉलेज, रिव्यूज़ भी नहीं है. कुछ कॉलेजेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. कुछ कॉलेजेस आपको रिसर्च करने पड़ेंगे कि यहाँ पे जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए, नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, नीचे फॉर्म का लिंक है जिसको फिल करके डिटेल्स दे सकते हो. GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, कई सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, राइट. आप इसके MBA प्रोग्राम को CUET के थ्रू टारगेट कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अगेन विच इज अंडर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, राइट, तो ये कॉलेज आप देख सकते हैं. देन ITS गाजियाबाद है, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है. इस कॉलेज के बारे में, वैसे तो ये कॉलेज PGDM भी कराता है, राइट, तो आप इसको भी CUET के थ्रू टारगेट कर सकते हो. फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आप इसको CUET के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं. IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर है, प्राइवेट है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं. जयपुरिया गाजियाबाद, राइट, ये MBA भी कराता है, PGDM भी कराता है, आप इसको भी CUET के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं. KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी गाजियाबाद में है, आप इसको CUET के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं. बट इनमें से आपको अपनी पर्सनलाइज लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे लिए इनमें से कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज सही नहीं है, मुझे कहाँ क्या मिल रहा है, कहाँ क्या नहीं मिल रहा है. मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज MBA भी कराता है और MBA के साथ साथ MBA++ भी कराता है. यू नो, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड ये कॉलेज है, प्राइवेट है और ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है. देन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं थ्रू CUET. ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज GNIOT, इसको ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से कम लोग जानते हैं, GNIOT के नाम से ज़्यादा जानते हैं, राइट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. MBA कराता है, PGDM कराता है, आप CUET के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं. शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम बहुत ज़्यादा मैंने नहीं सुना है, मेरठ में है, पर आप इसको भी CUET से टारगेट कर सकते हैं. NIET ग्रेटर नोएडा, राइट, इसके बारे में भी, वैसे तो इंजीनियरिंग के लिए नोन कॉलेज है पर MBA के लिए भी बच्चा देखता है, और सनस्टोन भी इसके थ्रू MBA कराता है, आप CUET के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं. श्री राम मूर्ति स्मरक इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल लखनऊ में है, प्राइवेट कॉलेज है, थ्रू CUET यू कैन टारगेट. इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये बरेली के अंदर है, आप CUET के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं. महात्मा ज्योतिबाई फूले यू नो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंदर है, गवर्नमेंट है, आप टारगेट कर सकते हैं. अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लखनऊ प्राइवेट है, आप CUET के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं. अब कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके नाम मैंने नहीं सुने हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्टूडेंट्स भी उनके बारे में नहीं पूछते हैं. बट अगर आप चाहते हो मैं उन पर डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाऊं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो आई विल मेक अ वीडियो थ्रू दैट, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.